discuss the transformation of sentences. Transformation of sentences. Transformation, पहले आपको transformation का meaning पता होना चाहिए. Transformation होता क्या है? Transformation होता है कि एक चीज से दूसरे चीज में change करना. कि transform का मतलब कि एक चीज होता है, एक type से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे हम किस चीज के चेंज की बात कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. इसका मतलब कि सेंटेंसेस को एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स चेंज इन द फॉर्म और द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. की उसकी फॉर्म या स्ट्रक्चर में सेंटेंस के चेंज होना विदाउट एनी चेंज इन देयर एसेंशियल मीनिंग. कि उसके फॉर्म या स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है किसके सेंटेंस में, बट उसका जो मीनिंग होना चाहिए सेंटेंस का वो सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल भी करके देखते हैं, पहले इसकी कंडीशंस देख लेते हैं. कंडीशंस क्या क्या है? पहली फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि ओरिजिनल मीनिंग इज नॉट चेंज. जो सेंटेंस का जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो सेंटेंस का मीनिंग है वो का वो जो का तो रहना चाहिए, कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए जब हम ट्रांसफॉर्म करें. देन सेकंड कंडीशन क्या है? व्हाइल चेंजिंग असर्टिव इनटू नेगेटिव. जब हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? फाइंड आउट द एंटोनिम, कि उसका एंटोनिम देखेंगे. एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है विपरीत शब्द. एक होता है सिनोनिम, आपने पढ़ा होगा, एक होता है एंटोनिम. एंटोनिम होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड्स. तो उसका हम अपोजिट मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब एंटोनिम ढूंढेंगे. ये दोनों में सेम होगा, जब हम असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे जब भी एंटोनिम को देखेंगे, और जब नेगेटिव से असर्टिव में जाएंगे जब भी इसी को देखेंगे. तो एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, जब ज्यादा समझ में आएगा कि असर्टिव से नेगेटिव जब करेंगे तो कैसे एंटोनिम ढूंढना है. जैसे ये क्या, Everyone likes this ice cream. This is the assertive sentence. Positive sentence है ना. तो अब इसको अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक एंटोनिम ढूंढ सकते हैं हम. एंटोनिम एवरीवन का क्या हुआ? इसका मतलब सभी आइसक्रीम को पसंद करते हैं. और सभी का क्या हुआ? कि कोई भी नहीं. इसका क्या होगा अपोजिट? एंटोनिम क्या होगा? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नो वन लाइक्स दिस आइसक्रीम. अब समझे, हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया इसको, बट क्या हुआ? नेगेटिव में चेंज करना है हमने और इसका एंटोनिम हमने ढूंढा है. तो अब क्या है? एवरी वन लाइक दिस आइसक्रीम, नो वन लाइक दिस आइसक्रीम. तो अब नेक्स्ट है, जैसे कि none of the questions are easy. ये क्या है? नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करना है कि कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं है, इजी है. अब इसको अगर पॉजिटिव में हम करेंगे तो क्या करेंगे? नन का क्या आ जाएगा? नन ऑफ द क्वेश्चंस. इसका मतलब ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. अब इसमें देखो सेंस नहीं चेंज हुई, ये क्या बन गया? हमारा पॉजिटिव बन गया. नन ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन क्या है, इजी नहीं है. और इसका क्या बनाया हमने? अगर पॉजिटिव में चेंज करें तो ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. मीनिंग तो सेम का सेम रहा, कि कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है या सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो मीनिंग सेम रहा. व्हाइल अब तीसरा कंडीशन आ जाती है, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं. एक्सक्लेमेशन क्या होते हैं? कल हमने कर रहा था लास्ट वीडियो में कि एक्सक्लेमेशन क्या होती है, जब हम इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो अब इसमें क्या होगा, जब एक्सक्लेमेटरी को इसका मतलब असर्टिव सिंपल सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा? Try to find out underlying intention of the speaker. कि जो speaker जिस intention से बोल रहा है वो हमें समझनी होगी, कि वो happiness से बोल रहा है, sadness से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, joyful से बोल रहा है या हैरानी surprise से बोल रहा है. तो वो हमें क्या speaker की intention को पता करना पड़ेगा और उसी के according हम change करेंगे. अब हम बारी बारी चेंज करके देखेंगे कि सिंपल से नेगेटिव का पहले आपको रूल्स बताता हूं, फिर नेगेटिव से क्या एक्सक्लेमेटरी कैसे चेंज होंगे. Then we will move forward. Change the affirmative into negative, या negative into affirmative. Affirmative होता क्या है? आपको बताया था मैंने, affirmative होता है positive sentence. कोई भी simple positive sentence को हम affirmative कहते हैं. तो उसको negative में कैसे change करेंगे? तो negative can be formed by using the words. Negative हम कैसे बना सकते हैं? कुछ words का इस्तेमाल करके. वो कौन कौन से है? जैसे कि no, never,
नॉट नन नो अदर, और हमने किसका नन था और उसका एग्जाम्पल भी देखा था, नो वन का एग्जाम्पल देखा था हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल में। तो अब हम चेंज करके देखते हैं ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंस बनाने के लिए, क्योंकि नो भी नो का मतलब नहीं होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं, नोट का मतलब भी नहीं, नन का मतलब कि कोई भी नहीं, और नो अदर का मतलब भी कि कोई भी नहीं। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं हमें, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इन वर्ड्स का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल करके देखते हैं, कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश याद कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, आपको ये सिंपल क्या है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, अगर याद हो तो आपको टेंसेज में सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, ये सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट का, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब इसमें क्या लगता है नेगेटिव बनाने में, आपको याद हो तो नोट लग जाता बस, तो आप सीधा नोट लगा दिए आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। अब सेकंड इज द मोहित इज नेवर लेट, ये पहले ही नेगेटिव है क्योंकि इसमें नेवर लगाया आपने, नेवर वर्ड का नेगेटिव मीन्स कि मोहित कभी लेट नहीं होता, तो नेगेटिव सेंस है। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में क्या होगा, मोहित इज ऑलवेज लेट, क्योंकि हमने इसमें कभी भी नहीं होता, तो इसका क्या करेगा पॉजिटिव में करेंगे तो ये नेगेटिव सेंस कर रहा था, इसका एंटोनिम यूज करेंगे हम, नेवर का एंटोनिम होता है ऑलवेज, कि हमेशा, इसका मतलब मोहित हमेशा लेट होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव में चेंज हो गया। इतना सिंपल है स्टूडेंट्स, बस राम इज ड्राइविंग। अब ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या लगाते हैं, बस नोट लगा देते हैं, तो ये इसमें भी क्या आ जाएगा, राम इज नॉट ड्राइविंग। ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना आपने सीख लिया, बस कुछ नहीं करना है, कुछ वर्ड्स याद करने, नो नेवर नोट नन नो अदर, और कुछ आपको एंटोनिम्स पता होने चाहिए कुछ वर्ड्स के, जिसके से आप क्या अफर्मेटिव से नेगेटिव में बिल्कुल इजिली चेंज कर सकते हो और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं सेकेंड की ओर, टाइप है डिक्लेरेटिव इंटू इंटरगेटिव, चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, आपको भी पता है अफर्मेटिव नेगेटिव होता है और इंटरगेटिव होता है एंड फोर्थ टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी। तो अब हमने क्या किया डिक्लेरेटिव से, हमने पहले डिक्लेरेटिव असर्टिव अफर्मेटिव को, इन तीनों को आप सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हो, सिंपल वे में कहे तो आपके बुक में डिक्लेरेटिव दे रखा होगा, तो इसलिए मैं डिक्लेरेटिव लिखा है। तो इनको जो कि कोई स्टेटमेंट दे, डिक्लेरेटिव का मतलब था कोई स्टेटमेंट दे, पॉजिटिव स्टेटमेंट, असर्टिव भी वही होता है, अफर्मेटिव भी होता है, अलग अलग वर्ड्स इंग्लिश में यूज कर देते हैं कंफ्यूजन करने के लिए, कई वर्ड्स कई सेंटेंसेस बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, आपको अगर असर्टिव की जगह कहीं अफर्मेटिव लिखा मिल जाए या क्या मिल जाए डिक्लेरेटिव मिल जाए तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखना है कि ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा रूल है, आपको सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। सिंपल सा रूल क्या है कि हमें पोजिशन इंटरचेंज करनी है, कि दो चीजों की पोजिशन इंटरचेंज करनी है, इंटरचेंज का मतलब अदला बदली करनी है दो चीजों की, और वो दो चीज क्या क्या है, एक तो है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशन, और दूसरा है कि नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है कोई या सब्जेक्ट हो सकता है, तो या नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो सकता है, इन नाउन की चीज पोजीशन और क्या ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशन हमें चेंज करनी है, कि इसकी जगह ऑक्सिलरी वर्ब की जगह नाउन आ जाएगा और नाउन की जगह क्या आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, ये क्या है हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन कह सकते हो या आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हो, सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है हमारा मेन वर्ब है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है,
अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो हमें क्या करना है अगर इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो बस एक कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन लगानी है? ऑक्सिलरी वर्ब और उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है, नाउन और ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? Have है, और क्या प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो भी आप बोले वो क्या है? देयर। तो इन दोनों की पोजिशन चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर आ जाएगा और ये वहां पे चला जाएगा, दे वहां पे चल जाएगा। अब क्या बनेगा हमारा? तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हैव, क्योंकि सबसे पहले जो वर्ड होता है सेंटेंस में वो कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल वर्ड से क्या होता है, अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, हैव। तो अब दे कहां पे आ जाएगा? दे ऑक्सिलरी वर्ब की जगह आ जाएगा। हैव दे ईटन चॉकलेट्स एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव दे ईटन चॉकलेट्स। ये हमारा क्या बन गया है? ये इंटरोगेटिव बन गया, कितना इजी है। आप अगले में चलिए, अगला क्या है? रोहित। रोहित क्या है हमारा? रोहित है नाउन, या आप इसे बोल सकते हो सब्जेक्ट भी, नाउन या सब्जेक्ट। पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं इसके, नाउन या सब्जेक्ट है पहला, दूसरा क्या है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज, और तीसरा क्या है स्टडिंग हमारा वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप कह सकते हो। अब हमने क्या करना है? इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो सिंपल सी कंडीशन लगानी है, क्या? ऑक्सिलरी वर्ब और नाउन की पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है। तो इज रोहित की जगह आ जाएगा, रोहित इज की जगह आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या है? इज, फिर रोहित स्टडिंग एंड क्वेश्चन मार्क। ये कितना इजी था? इज रोहित स्टडिंग की, क्या रोहित पढ़ रहा है? रोहित पढ़ रहा है, तो इसका इंटरोगेटिव में हमने चेंज कर दिया। इतना ही इजी, आप किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हो, बस क्या करना है उसके ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो आगे ले जानी है और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, बस इतना ही करना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। आपका इंटरोगेटिव, इसका मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य में चेंज हो जाएगा आपका। अब करते हैं थर्ड टाइप, इसका चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? असर्टिव इंटू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, असर्टिव क्या होता है? असर्टिव होता है कोई भी पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव, उसको एक्सक्लेमेटरी में करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो कोई भी एक्सप्रेशन हमें क्या कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो, कोई एक्सप्रेशन इमोशंस हमें एक्सप्रेस कर रहा हो, जैसे कि जॉय का भी हो सकता है वो एक्सप्रेशन, सरप्राइज का भी हो सकता है वो एक्सप्रेशन, क्या हो सकता है तो वो सोरो का भी हो सकता है वो एक्सप्रेशन, तो वो किसी का भी एक्सप्रेशन हो सकता है, दुख का, सुख का, गम का, हैरानी का, तो वो किसी भी चीज का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट से इसका पढ़ते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो पहला हम असर्टिव पॉजिटिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे, तो क्या हम बाय एडिंग व्हाट, व्हाट को एड करके भी हम बना सकते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल लेंगे हर एक कंडीशन के साथ, जैसे बाय एडिंग व्हाट, एड व्हाट किसमें करेंगे? जब व्हाट जिसमें करेंगे, जिसमें किसी नाउन के बारे में बात हो रही हो, किसी चीज के बारे में बात हो रही हो कि ये चीज बहुत खूबसूरत है, ये चीज बहुत अच्छी है, तो अब इसमें क्या बात हो रही है? दिस इज अ मैजिकल प्लेस। तो दिस इज अ मैजिकल प्लेस, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, जब ये जो सब्जेक्ट और क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ये एक साथ पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या ऑक्सिलरी वर्ब, ये सबसे पीछे चल जाएगा, और जो पीछे वाला होगा ये होगा क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो आगे आ जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, तो अब ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे बाय एडिंग व्हाट, पहले हम व्हाट ऐड करेंगे, व्हाट, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, व्हाट ए मैजिकल प्लेस, एंड आखिर में क्या बच गया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज, एंड आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन आप लगाना ना भूले। तो अब हमने इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है हमारे पास ये इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, ये इसमें, इसका मतलब प्लेस चेंज हो जाएगा, किसका, ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का, जो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है ये पीछे चल जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बाय एडिंग व्हाट, व्हाट अ मैजिकल प्लेस दिस इज, और आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन। देन सेकेंड है हमारा, सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारी, सेकेंड कंडीशन है बाय एडिंग हाउ बिफोर एन एडजेक्टिव फ्रेज, कि हाउ का एड करना, पहले में हमने व्हाट एड किया था, व्हाट एड कब किया था, जब नाउन फ्रेज हो, इसका मतलब नाउन के बारे में बात होगी, उसमें प्लेस के बारे में बात होगी, नाउन के बारे में बात होगी, अब एडजेक्टिव के बारे में बात होगी, एडजेक्टिव फ्रेज, कि दिस द प्लेस इज ब्यूटीफुल,
अब ये क्या है, एडजेक्टिव है हमारा, क्या है एडजेक्टिव है, प्लेस के बारे में क्या बता रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ नाउन बताए। तो इसमें क्या बता रहा है, क्वालिटी ऑफ नाउन बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ ऐड करेंगे इसमें, हाउ। अब वही कंडीशन लगानी है, पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब को पीछे ले जाएंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ब्यूटीफुल। तो हाउ ऐड किया हमने पहले, हाउ ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल द प्लेस इज, एंड लास्ट में क्या, एक्सक्लेमेशन साइन। अब थर्ड है हमारा, बाय एडिंग सच और सो बिफोर एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज। सो और सच जब हम करते हैं, जबकि कुछ ज्यादा के बारे में बात हो रही हो, कि कुछ ज्यादा ही, इट इज अ बिजी सिटी, कि ये बहुत ही बिजी सिटी है, कि इसमें फुर्सत नहीं है किसी को भी, सब अपने काम काज में बिजी है। तो अब इसमें क्या होगा, इट इज अ बिजी सिटी, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सच ऐड होगा। तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस हम वर्ड सच और सो ऐड करते हैं जब किसी की अधिकता बताई हो किसी भी चीज की। तो इसमें क्या है, अधिकता बताई, ये बहुत ही क्या जो है, क्या बिजी सिटी है, बिजी शहर है, कि इनको फुर्सत ही नहीं है कुछ भी करने की, ये बहुत ही बिजी है। तो क्या है, इट इज सच, सच ऐड हो गया, सच अ बिजी सिटी, एंड लास्ट में क्या आ गया हमारा, एक्सक्लेमेशन साइन। ये उस हिसाब से भी चेंज हो सकता था जैसे आप करते हो, कि जैसे ये हो गया, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, जो जैसे हम पहले करते थे, इट इज क्या है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट पीछे चल जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। तो क्या आ गया अब इसको, ये क्योंकि हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले की तरह भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। जैसे व्हाट ए बिजी सिटी इट इज, व्हाट अ बिजी सिटी इट इज, ये भी रॉन्ग नहीं होगा आप करोगे तो, इट इज अ सच अ बिजी सिटी, ये भी रॉन्ग नहीं होगा, दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट हमारा कन्वर्जन होता है, जो असर्टिव से केस में होता है, एक्सक्लेमेटरी में होता है, वो इंटरजेक्शन ऐड करने से होता है हमारा। इंटरजेक्शंस कुछ कॉमनली यूज होते हैं, इंटरजेक्शन मतलब कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो सेंटेंसेस के क्या कुछ फीलिंग जाहिर करते हैं। जैसे कि ये हो गया आउच, जो हम मेनली यूज करते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन फीलिंग शो करने के लिए, आउच, उप्स, यक, हुर्रे, ओ, अलास, हे, यप्पी, वाओ। यप्पी वाओ ये क्या है, हैप्पीनेस के वर्ड्स है, के किसी को भी ग्रीट करने का। अलास क्या है, सोरोफुल है, ओ सरप्राइज है ये, हुर्रे दिस इज आल्सो फॉर हैप्पीनेस, यक दिस इज फॉर नॉट बैड इमोशंस, बैड फीलिंग्स, उप्स दिस इज आल्सो फॉर बैड फीलिंग्स, आउच जैसे दर्द वगैरह हो, देन वी विल से आउच। तो अब पहला एक एग्जांपल करते हैं, इट टेस्टेस ऑफुल, ये बहुत ही बेकार है, तो क्या कर रहा है ये, कुछ गलत फीलिंग बता रहा है हमारी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या कौन सा इंटरजेक्शन, यक कर सकते, यक इट टेस्टेस ऑफुल, देन ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, असर्टिव इंटू एक्सक्लेमेटरी भी। अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी इंटू असर्टिव कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी इंटू असर्टिव, कि जो एक्सक्लेमेटरी होता है उनको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने पहला क्या किया था, व्हाट ऐड करके हमने सिंपल से, जब असर्टिव से किस में चेंज किया था, एक्सक्लेमेटरी में, तो व्हाट ऐड किया था। अब क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, जो जो चीजें हमने सिंपल में जब ऐड की थी एक्सक्लेमेशन में, वो चीजें हम क्या करते जाएंगे, ड्रॉप करते जाएंगे इसमें। सो और सच इसमें ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि व्हाट ड्रॉप कर देंगे, हाउ ड्रॉप कर देंगे सेकंड कंडीशन। तो एक एक एग्जांपल करके देखते हैं, व्हाट अ टेरिफिक मैच इट वाज, तो इसमें क्या है, इसको और ये क्या था हमारा, क्या था उस वक्त, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब था, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया वैसे, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब था और ये क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था। तो हमने इन दोनों की पोजीशन कैच कर दी, इंटरचेंज की थी, तो अभी भी हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे बस, और इसको क्या ड्रॉप कर देंगे, इसको क्या ड्रॉप कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, तो इट वॉज क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा इट वॉज ए, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा टेरिफिक मैच, एंड फुल स्टॉप। ये हमारा सेटिंग में चेंज हो गया, कि सिंपल इट वॉज अ टेरिफिक मैच। अब दूसरा क्या है, ड्रॉपिंग हाउ, हाउ को तो ड्रॉप ही करना है हमने एक्सेलेरोमीटर में, अगर सिंपल में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, लवली द फ्लावर लुक। दो अब ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो द फ्लावर्स लुक लवली एंड फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट है ड्रॉपिंग सो एंड सच, वही हमने एक्सप्लेनेटरी में जब चेंज करना था तो ये चीजें ऐड की थी, और अब सिंपल में करना है तो ये ड्रॉप करनी है, तो सो कट हो जाएगा और ये सिंपल बच जाएगा हमारा दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल। ये हमारा सिंपल सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फॉर मोर एनी क्वेरीज और कंप्लेंट्स प्लीज कमेंट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।